तू थक्के न बैठ, तेरी उड़ान अभी बाकी है, जमीन खत्म हुई है, आसमान अभी बाकी है, अभी बाकी है, अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु तिवारी, स्वागत करता हूं आपका तारीखा 6 मार्च 2020। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक सफल बिजनेसमैन की कहानी, जो एक भाषण दे रहा था और उस भाषण में वो ये कह रहा था कि उसने जीवन में इतनी ज्यादा सफलता कैसे हासिल की। वो सफलता को सुनाने के लिए उसने कुल 3 कहानियां सुनाई और कहा कि ये मेरे जीवन के 3 सबसे बड़े गुरु थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। वो 3ों कहानी आज मैं आपको सुनाता हूं। उस बिजनेसमैन ने कहा कि जब मेरा बिजनेस चौपट हो गया था और मैं किसी लायक नहीं बचा था, सिर्फ आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं घर बार छोड़ करके निकल गया बाहर, कुछ ढूंढने किसी तलाश में, नहीं पता किस तलाश में मैं निकला बाहर। रात हो चुकी थी और वो परेशान इधर उधर घूम रहा था। अचानक देखा कि एक व्यक्ति किसी दीवार में छेद कर रहा है। वो उस व्यक्ति के पास गया और कहा, हे, अगर आप मुझे आज रात भर रुकने का एक मौका दे दें, अगर आप मुझे आज रात भर अपने पास रुकने की जगह दे दें। तो वो व्यक्ति घबरा गया। उसने कहा, मैं तो चोर हूं, मैं तुम्हें कैसे अपने पास रख सकता हूं। लेकिन उस चोर को पता नहीं इनसे किस तरीके का लगाव हुआ, वो चोरी करने के बाद इनको अपने साथ ले गया और अपने साथ रखा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, करते करते 10-15 दिन बीत गए, लेकिन वो चोर इन्हें जाने नहीं दे रहा था। वो कह रहा था, तुम यहीं रहो और यहीं खाओ पियो और मगन रहो। लेकिन इनको तलाश थी किसी और चीज की और ये निकल पड़े। निकलने से पहले इनको 2-4 चीजें समझ में आई। वो ये कि चोर हर रात को आता था और इनसे कहता था, अच्छा होगा, चिंता मत करो, अच्छा होगा। एक चोर जो कि गलत काम कर रहा है और उसमें भी वो ये कह रहा है कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। इसका मतलब पॉजिटिविटी का लेवल देखिए आप, कि एक चोर भी क्या कह रहा है, क्या संदेश दे रहा है आपको कि आप जीवन में पॉजिटिव रहिए। वहां से निकलने के बाद एक दिन ऐसे ही बाजार में घूम रहे थे। बाजार में घूमते घूमते ये थोड़ा बाहर निकले तो देखा कि एक कुत्ता बहुत तेजी से दौड़ लगा रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। पता नहीं इनको क्या समझ में आया कि ये उस कुत्ते के पीछे ये भी दौड़ने लगे, और दौड़ते 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 ये शहर के बाहर आ गए। और शहर के बाहर एक छोटी सी नदी थी और कुत्ता बार बार नदी के पास जाता और नदी के पास से घूम के वापस आ जाता। अब नदी के पास से वापस आ जाता तो इन्होंने उत्सुकतावश जानने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। जब पास में जाके देखा तो कुत्ता अपनी परछाई से डर करके वापस चला जा रहा था। फिर उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आया और उसने पानी में छलांग लगा दी और पानी भी पिया और नहाया भी और बाहर आ गया। अब इनको वहां पे ये समझ में आया कि जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से हम इतना डर जाते हैं कि हमें जीवन में छलांग लगाना पड़ता है। तो छोटी छोटी परेशानियों से डरिए मत, थोड़ा सा पीछे हटिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा सब्र, अपने आप को तैयार करिए और छलांग लगाइए जीतने के लिए। वो तैयारी जीत की करिए आप। ये थी दूसरी कहानी। तीसरी कहानी, कुछ दिनों बाद जब ये घूमते रहे घूमते रहे, अचानक से इन्हें एक बच्चा दिखा और एक मोमबत्ती जो है जला रहा था। मोमबत्ती जलाया उसने, ये उसके पास गए और इन्होंने उस बच्चे से पूछा कि ये बताओ कि इस मोमबत्ती में रोशनी कहां से आ गई, ये जला कैसे, आग कहां से आई। बच्चा थोड़ी देर सोचा, बच्चे ने इनको ही उल्टा फंसा लिया और मोमबत्ती को फूंक दिया और कहा कि अब तुम ये बताओ कि ये रोशनी गई कहां। ये चौंक गए। इनको वहां पे ये समझ में आया कि आपको अपने से ज्यादा जो ज्ञानी है वो बहुत सारे लोग हैं, आप दूसरों से अपने को मत तौलिए और अपने को ज्यादा ज्ञानी मत समझिए। एक छोटा बच्चा आपको ये बता सकता है कि आप अज्ञानी हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता हैं। तो जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप अपने आप को इन तराजू में मत तौलियो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। आप कृतज्ञ बने रहिए,
आप झुके रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। जब आप अच्छे से सारी चीज़ें सीख लेंगे तभी तो आप लोगों को बता पाएंगे। तो सीखने पर ध्यान दीजिए। ये थी तीन कहानी दोस्तों। तो ये तीनों कहानी, इन तीनों कहानियों के बाद जो बिजनेसमैन है वो अपने घर वापस आ जाता है और अपना बिजनेस फिर से चालू करता है। और इस बार वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जब एक चोर पॉजिटिविटी सिखा सकता है, जब एक कुत्ता उसको ये सिखा सकता है कि तुम जीवन में डरो मत, छोटी छोटी परेशानियां हैं, तुम निकल जाओगे, और कुछ दिनों बाद जब इसे बच्चा मिलता है तो वो ये सिखाता है कि अपने ज्ञान पर कभी घमंड मत करना। तो ये सारी चीज़ें ये सीखने के बाद जब ये वापस आते हैं तो उसके बाद से इनके जीवन में बड़ा बदलाव आता है और इनका बिजनेस दोबारा से ये चालू कर लेते हैं। तो हिम्मत रखिए दोस्त, आप कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, हमेशा आप प्रकृति आपको एक मौका देती है जीतने का। तो जीतने के लिए तैयार रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम हिमांशु है, मैं अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूँ। मेरा कोड HKT लाइव है। अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल करिए मेरा कोड HKT लाइव। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली कहानी में बहुत जल्द।